हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में सीखेंगे कि क्रॉस रेफरेंस का उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड, क्रॉस रेफरेंस का उपयोग डॉक्यूमेंट में हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट और एंड नोट को रेफरेंस देने के लिए इसका उपयोग होता है। इसमें रेफरेंस में एक हाइपरलिंक जनरेट की जाती है जिसकी मदद से आप उस रेफरेंस पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल हम आपको करके बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट पेज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हमें एक नया पेज इंसर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और ब्लैंक पेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो कंट्रोल इंटर का भी यूज़ करके पेज इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी हेडिंग टाइप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने अपनी एक हेडिंग को टाइप किया है। उसके बाद हम एक इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो अपनी दूसरी हेडिंग भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको कंटेंट टाइप करना वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक और नया पेज इंसर्ट करते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और ब्लैंक पेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना दूसरी हेडिंग टाइप करेंगे। और एक इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप जितनी भी हेडिंग देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो हमने हेडिंग टाइप करी है, जो हमने कंटेंट तैयार करे हैं, उसमें हमें सबसे पहले सिर्फ हेडिंग को ही सिलेक्ट करना है। हेडिंग को सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपनी जो फर्स्ट हेडिंग है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। सेकंड हेडिंग को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते तो पहले आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करिए, उसके बाद आप सेकंड हेडिंग को सिलेक्ट करिए। इस तरह से आपके फाइल में जितनी भी हेडिंग है आप कंट्रोल बटन प्रेस करके सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, होम टैब पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टाइल वर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हेडिंग वन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं क्रॉस रेफरेंस का सही यूज़ किस तरह से किया जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर एक टॉपिक तैयार करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, यह हम अपने फर्स्ट पेज पर टाइप कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी हम फॉन्ट की साइज़ थोड़ी बढ़ा देते हैं और इसको सेंटर में ले लेते हैं और बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक इंटर प्रेस करते हैं, फिर से लेफ्ट अलाइनमेंट ले लेते हैं और बोल्ड हटा देते हैं। ठीक है, अब हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं और यहाँ पर हम तीन सेल की एक टेबल तैयार कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम अपनी हेडिंग टाइप कर देते हैं, सीरियल नंबर और लेसन, और यहाँ पर लिख देते हैं हम पेज नंबर। ठीक है, आप चाहें तो इनकी फॉन्ट साइज कम कर सकते हैं। आप होम टैब पर जाइए और यहाँ पर आप फॉन्ट की साइज कम कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप टैब ऑप्शन का यूज़ करिए। ठीक है, आपको यहाँ पर, ठीक है, सेल्फ टाइप करना होगा, सीरियल नंबर वन। अब जहाँ पर लेसन हमें टाइप करना है यहाँ पर हम क्रॉस रेफरेंस का उपयोग करेंगे ताकि हम यहीं से डायरेक्ट उस रेफरेंस पर पहुँच जाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेफरेंस टैब पर क्लिक करना होगा और क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्रॉस रेफरेंस डायलॉग बॉक्स की एक विंडो ओपन होगी। इसमें रेफरेंस टाइप में अलग अलग टाइप होते हैं, हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशन और फिगर। आपको यहाँ पर हेडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपने जो दोनों हेडिंग, ठीक है, आपने टाइप करी थी वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इंसर्ट रेफरेंस टू में आपको हेडिंग टेक्स्ट लेना है और इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप पेज नंबर पर आएंगे तो आपको फिर से क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लेना है और इंसर्ट रेफरेंस में आपको यहाँ पर लेना है पेज नंबर और इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर टैब देंगे आप। ठीक है, फिर सीरियल नंबर आप 2 टाइप करेंगे और लेसन वाले ब्लॉक के अंदर आप क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट रेफरेंस में आप हेडिंग टेक्स्ट लेंगे और इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। इसी तरह से जब आप पेज नंबर पर आएंगे तो फिर से आप क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन में आएंगे, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेलेक्ट करना है और इंसर्ट रेफरेंस में आपको पेज नंबर लेना है और इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर क्लोज करेंगे। इस तरह से आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपने जो लेसन यहाँ पर जो आपको हेडिंग दिखाई दे रही है ये एक्चुअल में रेफरेंस है। ये आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ इस टॉपिक पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस टॉपिक या उस रेफरेंस की मदद से डायरेक्ट आप अपने हेडिंग पर पहुँच जाएंगे। ठीक है,
हम फिर से ऊपर लेके चलते हैं आपको, इस बार कंट्रोल के साथ हम एक्सेल पे क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पे आप पहुंच चुके हैं। आप पेज नंबर जो हमने इंसर्ट किए हैं रेफरेंस के थ्रू, उसका भी यूज़ करके आप डायरेक्ट इन टॉपिक पर पहुँच सकते हैं। कंट्रोल के साथ हम क्लिक करके देखते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से हम क्रॉस रेफरेंस का सही यूज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर करते हैं। डियर फ्रेंड, आपको अगर हमारी बनाई हुई वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली और भी एडवांस फीचर्स से आप और भी एडवांस ऑप्शन सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन YouTube।